देश और विश्व का घटनाक्रम सबसे पहले। और निवासी हल्दी खुर्द मुंगारी थाना औद्योगिक क्षेत्र प्रयागराज। आपको क्या प्रॉब्लम हुई है? प्रॉब्लम सर, ये हमारी लड़की की शादी थी 29 तारीख को, तो 29 को बारात आना था और 29 तारीख के ही लेट नाइट 1:30 बजे लड़के का फ़ोन आता है कि हमको बाइक, फोर व्हीलर, इन्वर्टर, पंखा, वॉशिंग मशीन, यानी कई आइटम को उन्होंने डिमांड किया कि अगर आप ये नहीं देते हैं तो बारात नहीं आएगी। हमने बहुत प्रयास किया इसके लिए, सारी रात प्रयास किया, कुछ सामान उसमें हमने कहा भी कि आपको हम देंगे, लेकिन वो किसी तरह से नहीं माने। तो आपको सुने कि धमकी भी मिल रही है? हाँ, ये 31 तारीख को इन्होंने हमको धमकी दिया कि अप्लीकेशन वगैरह अगर आप थाने पर ही दोगे, अप्लीकेशन हमने दे रखा था, जब उन्होंने सुना तो कहा कि अगर अप्लीकेशन आप नहीं हटाते हो तो गद्दियों से जान से मरवा देंगे। अच्छा, आपने ये अप्लीकेशन कहाँ दिया था? अप्लीकेशन हमने थाना औद्योगिक क्षेत्र में दिया। कोई कार्रवाई हुई वहाँ से? वहाँ से FIR तो दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आप आज फूलपुर थाने में आए हैं? आज हम फूलपुर थाने में आए हैं। अभी 3 तारीख को कन्हौजा खुर्द बाबूगंज हमारी बहन रहती है, वहाँ हम आए हुए थे। वहाँ से वापसी में दो लोग पल्सर से बाबूगंज से जो रास्ता कन्हौजा के, उसी के बीच में उन्होंने हमको रोका, रोक के जान से मारने की धमकी दिया, कहा कि अप्लीकेशन तत्काल उठाओ नहीं जान से मार देंगे। तो आप फूलपुर थाने में आए तो आपको आश्वासन मिला? जी, यहाँ से आश्वासन दिया गया, हमारे अप्लीकेशन को दिया इंस्पेक्टर साहब ने, आश्वासन दिए आश्वासन दिया कि हम इसमें पूरी कार्रवाई करेंगे। ठीक।